यहाँ पर मैं दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन से केदारनाथ के लिए जो है निकल रही हूँ। यहाँ से मुझे सबसे पहले हरिद्वार जाना होगा, तो वहाँ के लिए मैं ये ट्रेन ले रही हूँ। और किसी भी स्टेट से आप आ रहे हैं, आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए पहले बस लेनी होगी। तो यहाँ पर हम हरिद्वार सुबह 4 बजे पहुँच गए हैं। सामने ही आपका बस स्टैंड है, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होती हरिद्वार में। यहाँ से हमने ट्रेन छोड़ा एंड देन 5 बजे हमारी बस है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए सामने बस स्टैंड से, जो कि जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने है। हल्की हल्की सी ठंड हो रही है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जब आप आते हैं। तो ये आपका एक रेलवे स्टेशन हरिद्वार का। अगर रोड पे जैसे गवर्नमेंट बसेस आपको चाहिए तो सामने से मिल जाएगी हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए, अदरवाइज़ आप पहले से बुकिंग करा कर भी जा सकते हैं। उसके लिए अलग अलग डेस्टिनेशन देते हैं, वहाँ पर आपको जाना पड़ता है बस लेने के लिए। जैसे कि अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से बहुत पास में ही है, तो वहाँ से हमें वो प्राइवेट बस जो है वो मिलती है, लेकिन हमने ऑनलाइन बुकिंग ऑलरेडी कर ली थी। ये है आपका बस स्टैंड हरिद्वार का, जो कि मैंने बताया था जस्ट आपके रेलवे स्टेशन, यानी कि ये रेलवे स्टेशन है और ये आपका हरिद्वार का बस स्टैंड। इस तरह से यहाँ पर आपको टैक्सीज भी मिल जाएंगी, रुद्रप्रयाग वगैरह जा रहे हैं ना ये, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एक बार। और यहाँ पर खाने पीने के आइटम्स भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड और ये सब चीज़ें अवेलेबल है। आपको दिख रहे हैं ये देखिए सोनप्रयाग, गौरीकुंड, ये सारी बसेस देखिए जो मुझे लेनी है ये लाइन से खड़ी हुई है। और ये बस 50 कदम की दूरी पर भी नहीं है ये प्राइवेट जो बसेस आपको मिलेंगी ऑलरेडी आपको, लेकिन बुकिंग करना पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ 2 ही बस अवेलेबल दिखा रहा था, उसमें से एक में सीट मिल गई थी ईजिली, तो पहले से बुकिंग करा के रखी। पर आ चुके हैं, ये है हमारी बस। फिर ऑफलाइन बुकिंग मतलब अगर करनी हो तो क्या प्रोसेस रहता है? कुछ भी नहीं है, जैसे कोई गाड़ी लग जाती है। अच्छा, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी फुल हो रही है। तो ये छोटी सी बस है, इसमें आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, तो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, तो आप आसानी से करा सकते हैं बुकिंग। फिर रास्ते में कितनी बार रुकती है बस? 9:30 के लगभग, सुबह 8:30 या 9 के लगभग बस एक ही बार रुकती है। ठीक, बस हमारी निकल गई है। ये जो व्यूज़ आप देख रहे हैं ये जब हम सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं हरिद्वार से बाय बस, वो 10 से 11 घंटे का जो रास्ता रहता है वो बोझल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इतने खूबसूरत व्यूज़ आपको बीच में मिलते हैं कि वो 10 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। तो आप यहाँ पर आइए और इसका आँखों से लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि कैमरा जो है वो प्रकृति का हर हिस्सा कवर नहीं कर सकता जो कि हमारी सिर्फ आँखें कर सकता है। और इन पिक्चर से आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कितना खूबसूरत है, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आइए और आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए। अब हम लोगों ने यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लिया है, करीब अभी बज रहा है 8 बज रहा है सुबह के, और यहाँ पर टी ब्रेक कह सकते हैं अभी हमने लिया है। तो ये गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में बोलते हैं, तो चलिए चल कर देखते हैं क्या है खाने को। तो अब मैंने नाश्ता पानी कर लिया है यहाँ पर गढ़वाल में, खाना पीना खा के पेट भर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम आप अलकनंदा नदी को देखेंगे जो कि अब आपके सामने है। अलकनंदा नदी के बारे में कहते हैं कि ये उत्तराखंड के जो ज़िले हैं जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल जिले से ये नदी बहती है, और इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। जैसे आप देखेंगे केदारनाथ में इसे मंदाकिनी कहते हैं और बद्रीनाथ में इसे अलकनंदा कहते हैं, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और फिर ये गंगा के नाम से आगे बहती हुई बढ़ जाती है। और कहते हैं, माना जाता है कि ये जो नदी है अलकनंदा वो 195 किलोमीटर लंबी है, तो बहुत लंबी नदी है ये। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जब फाटा आता है तो फाटा से 35 किलोमीटर का जो रूट रह जाता है बड़ा ही रिस्की होता है, क्योंकि बहुत हाइट पर है और रोड्स उतने कंफर्टेबल कह सकते हैं नहीं है, थोड़े से टूटे फूटे से है वहाँ पर, तो थोड़ा सा डर लगता है बस से जाने में। और बाकी व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, आप जाइए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे। हम लोग अब यहाँ पर बस से आ गए हैं सीतापुर में,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी होटल्स हैं, बता रहे हैं टू रूम बेड का, आई मीन टू बेडरूम का यहाँ पर 2000, 2500, 1800 में आपको रूम मिल जाएगा। खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ से क्या प्रॉब्लम है कि सुबह जब आप दर्शन के लिए निकलेंगे तो आपको आधा किलोमीटर चलकर पैदल सोनप्रयाग पहुँचना होगा अर्ली मॉर्निंग, और वहाँ से आपको जैसे वैन हो गया, ये गाड़ियाँ हो गया, वो 6 किलोमीटर कवर करके आपको जहाँ से चढ़ाई चढ़नी होगी वहाँ आप पहुँचेंगे। तो बेहतर है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी अगर आ गए हैं और रूम बुक है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा ये रास्ता कवर करना मुझे लगता थोड़ा मुश्किल ना। तो चलिए आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी कि कैसे कैसे वहाँ पहुँच। सारा मार्केट वहीं पर है, और मॉर्निंग में जब दर्शन के लिए जाएंगे, चढ़ाई के लिए चढ़ेंगे, तो वहाँ से इजीली हमें कैब्स मिल जाती है। कैब इंडस्ट्री वही जो शेयरिंग में होती है, थोड़ा सा रोड जो है गड़बड़ है, थोड़ा अपना ध्यान रखें और आगे मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताती रहूँगी कहाँ कहाँ कैसे रहना है, कितना क्या रेंट है। सीतापुर से सोनप्रयाग की तरफ जाते हुए का रास्ता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सोनप्रयाग की पार्किंग एरिया है, काफ़ी बड़ी है, तो अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आसानी से अपने व्हीकल को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है, तो आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह का अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं मेंशन कर दूँगी, अदरवाइज़ यहाँ पर इजीली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये आ गया आपका सोनप्रयाग। आप देख पा रहे होंगे सोनप्रयाग में भी एंट्री करने के बाद आपको इतनी लंबी पार्किंग करती है, वो चली आ रही है, तो पार्किंग का तो आई थिंक क्या इशू नहीं है। यहाँ पर आप रूम्स देख रहे हैं ये सारे सोनप्रयाग में, उनकी डिटेलिंग दूंगी मैं सब कुछ आपको, और सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगी कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है बुकिंग का। और देखिए यहाँ पर मैं भी एक रूम चेकआउट किया है, मतलब चेक इन किया है देखने के लिए कि कैसा क्या है, तो आप ये कंडीशन देख रहे हैं, ये 3 बेड है 2500, कंडीशन तो आपने देख ही ली है, तो यही सारी कंडीशन है। एक ये रूम है 2500 का, जिसमें आपको गीजर भी मिल सकता है, तो और 2000 रुपये में जो लेंगे उसमें आपको गीजर नहीं मिलेगा। अच्छा 12 बजे चेकआउट टाइमिंग ना, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो रूम बुक किया है वो मुझे पड़ा है 2500 रुपीज़ में, कंडीशंस ऑलमोस्ट वैसी ही है, बट फ़र्क इतना है कि इसमें सिर्फ आपको गीज़र मिला हुआ है, हमें थोड़ी सी गीज़र की फैसिलिटी मिल गई है, फ़ैन दे दिया है, हालांकि फ़ैन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, और इंडियन कमोड है ये, वेस्टर्न जाते हैं तो वेस्टर्न भी मिल जाएगा, और इस तरह से नॉन गीज़र में आप 2000 रुपीज़ पड़ेगा आपको। एंड एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ पर आपको शायद क्लॉक रूम दिख रहा होगा, मेरे होटल के जस्ट सामने पूरे सोनप्रयाग में आपको इस तरह से क्लॉक रूम मिल जाएंगे, आप जब सुबह चेकआउट करेंगे, क्योंकि इतना महंगा रूम है तो कंटिन्यू 3 दिन तक रखना मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्लॉक रूम में जाके आप वहाँ पर अपने बैग जो है सबमिट कर सकते हैं, बैग के साइज़ के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस लगेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जय केदार यात्री विश्राम गृह है, तो मतलब अगर हम देखते हैं कि बजट बहुत ज़्यादा नहीं हमें लेना है तो हम इसको भी अफोर्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, इसमें नंबर दिया गया है। मैं ये सारे रेनकोट्स हैं ये पन्नी वाले, क्या प्राइस है, क्या 100 रुपये। अच्छा रेनकोट्स है आपके पास, सारी चीज़ें यहाँ पर सोनप्रयाग में आपको मिल जाएगी। अच्छा टी शर्ट्स भी मिल जाएंगे, और ये गर्म जैकेट्स भी है, शूज़ भी है, आप तो हैं तभी ये है ना, ओके। एंड ये कैब कैसे दिया गर्ल्स के लिए, ओके हाँ, यहाँ पर भी मतलब तो कई सारी शॉप्स है जहाँ पर रेनकोट्स एंड वोलन आइटम जो भी चाहिए आपको मिल जाएंगे, स्टिक भी आप लेते जा सकते हैं, क्योंकि ये फायदा करता है चढ़ने में, इस तरह के सोनप्रयाग में कुछ ये फोन केस आप ले सकते हैं जिससे बारिश में फोन भी नहीं गीला होगा आपका, शॉल है, ग्लव्स हैं, सारी चीज़ें जो विंटर के पर्पसेस है, यहाँ मेडिकल्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा रूम्स भी अवेलेबल हैं इनके पास, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, चलिए पता करते हैं क्या है। भैया ये रूम अवेलेबल है ये कैसे, 2 लोगों के लिए अगर चाहिए हो तो 2000 रुपये 3 बेड का मिलते हैं आपके, ओके ओके। और इसी के पास रूम देखते देखते हमें यहाँ पर नज़र आता है एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, जो कि वाटरफॉल है,
नहीं वाटरफॉल नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी। हाँ सिर्फ शांति से सुनिए, आपको फील होगा। आई होप इसे आप सुन पा रहे होंगे। और अच्छा पुल पार करने के बाद सुबह मिलेगा, सामने वाली पार्क। हाँ हाँ नीचे गाड़ी मिलेगी, ऊपर जा रही है इसके नीचे। तो पहले से कोई टिकट विकेट तो नहीं लेनी पड़ती ना, वहीं जाके मिलेगा तुरंत। कितने बजे सुबह लग जाना होता है? 3 बजे से चालू हो जाता है। और कितने तक नंबर आ पाता है फिर? वो तो तुम्हारी मर्जी है, ऐसे नहीं इतनी भीड़ नहीं है। अच्छा 3 बजे से गाड़ी चालू हो जाती है। अच्छा 3 से चालू हो जाता है, टाइम भी जा सकती है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके शुक्रिया। भीड़ कम हो गई है, भीड़ कम है, भीड़ कम है। 20 रुपए की 100 ग्राम एक मूंगफली दे दी, और नमक भी रख दीजिएगा इसमें। Oh wow, this is so beautiful. This is so beautiful. Wow, कैसा दिया भैया ये? Wow, it's totally wooden work है ना ये? अच्छा ये वाले 200 रुपए के हैं। ओके ओके ओके, और वो बड़ा वाला ये 400 का है। कितना खूबसूरत है, वाह ब्यूटिफुल। चलो कुछ इसमें से लेते हैं। और क्या क्या ये आइटम रखे हुए हैं आपने भैया? कब तक लगाते हैं आप ये शॉप? कितने बजे तक लगाते हैं? थोड़ी देर और फिर। और सुबह कितने बजे खोलते हैं? सुबह 7 बजे करीब। देख रहे हैं ये देखिए, दर्शन जो है लोग करके आ रहे हैं, और अगर किसी से मौका मिलता है तो उनसे बोलेंगे कि वो अपना अनुभव साझा करें। भैया अच्छा कैसा क्या रहा, बारिश हो रही है क्या? हल्का सा होता है, बंद हो जाता है बारिश। और ठंड कैसी क्या है? ठंड बहुत है। आप रुके थे रात में वहाँ पर, तो फिर कैसे क्या, रूम पहले से बुक किया था आपने या रूम ले लिया था नीचे या फिर बेस कैंप में? बेस कैंप में लिया था। कितने का मिला था? चलो 15 टेंट लिया होगा आपने। अच्छा टेंट लिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं मौसम मौसम की। अच्छा भैया गर्भगृह में दर्शन मिल रहे हैं? शाम को आप जाएंगे तो इसका दर्शन मिलेगा, क्या नाम है सिंगार का, सुबह अच्छे से दर्शन मिलेगा। अच्छा अंदर जाके शिवलिंग को छूने का मौका मिल रहा है? मिल रहा है। सुबह कितने बजे आपको? 4 बजे खुल जाता है। 4:30 बजे लाइन में लग जाना होता है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आप लोग दर्शन करके फिर इस टाइम काफी टाइम लग गया वापस में। कितने बजे आप लोग वहाँ से निकले थे? अच्छा अच्छा भैरवनाथ। अच्छा अच्छा आप और आगे गए थे? भैरवनाथ के दर्शन के बिना अधूरे दर्शन है ना। तो वहाँ से कितना दूर है भैरव बाबा के दर्शन? 6-7 किलोमीटर पर होगा। 1-2 किलोमीटर पर, कोई दिक्कत नहीं चढ़ाई चढ़ने में? आसानी से जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल तो नहीं है, बहुत फिसल तो नहीं रहा है। पैदल ही आपको गए थे ना? पैदल ही चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने सोनप्रयाग में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर रेनकोट जो इम्पोर्टेंट है, मैंने रेनकोट भी ले लिया है, ग्लव्स ले लिए हैं, कैप ले लिया है करम अपना, और जो ठंडी से बचाने के लिए जितने आइटम्स होने चाहिए मैंने ऑलमोस्ट रख लिए हैं। एंड आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि मेडिसिन ज़रूर थोड़ी बहुत रखिएगा, क्योंकि ऊपर मेडिसिन मिलती है लेकिन अपने साथ रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने सारा बैकपैक कर लिया है कल की यात्रा के लिए, केदारनाथ निकलने के लिए। हमारे साथ बने रहें और कल की यात्रा आप हमारे साथ बिल्कुल